यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया, आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र गोवंश ही है। यानी योगी कह रहे हैं कि भारत के गांव देहात में सबसे ज्यादा गायें पाली जाती है और लोग गाय माता का दूध ही पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में गाय कितना दूध देती है और भारत के लोग सबसे ज्यादा किसका दूध पीते हैं? भारत सरकार के पशुपालन मंत्रालय के 2018-19 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल दूध उत्पादन में देसी गाय का हिस्सा सिर्फ 10% है। यानी भारत में जितना दूध होता है उसमें हमारी देसी गाय माता सिर्फ 10% ही योगदान देती है, तो फिर पूरा भारत किसका दूध पीता है? पशुपालन मंत्रालय के मुताबिक भारत के टोटल मिल्क प्रोडक्शन में देसी भैंस 35% दूध देती है और अन्य नस्ल की भैंस 14% और जर्सी गाय 26% दूध देती है। यानी भैंस और जर्सी गाय यानी विदेशी नस्ल की गाय का दूध पीता है इंडिया। भारत के कुल दूध उत्पादन में इनका हिस्सा 75% है। देसी गाय का हिस्सा तो सिर्फ 10% है और ये और भी कम हो रहा है क्योंकि लोग अब गाय पालना छोड़ रहे हैं। गाय पालना महंगा होता है भैंस के मुकाबले और बैलों से अब खेती भी नहीं होती, इसलिए बैल कृषि के इस्तेमाल में भी नहीं होते, इसलिए लोग गोवंश से दूर जा रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के ज्यादातर लोग दूध तो काली भैंस का पीते हैं लेकिन सारा क्रेडिट सफेद भैंस को दे देते हैं। यानी मेहनत किसी की और नाम किसी और का, शास्त्रों में इसे ही ब्राह्मणवाद कहा गया है। आप अपनी राय कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।